टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की साल 2018 में विदेशी जमीन पर शानदार परफॉर्मेंस रही है। विराट कोहली ने आगे बढ़कर टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं। पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे ऐसे भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कैलेंडर ईयर में विदेशी जमीन पर 1000 रन बनाए हैं। विराट कोहली से पहले मोहिंदर अमरनाथ और राहुल द्रविड़ यह करिश्मा कर चुके हैं। दिलचस्प बात है कि वह दुनिया में ऐसा करने वाले तीसरे कप्तान है। उनसे पहले बॉब सिप्सन और ग्रिम स्मिथ ऐसा कर चुके हैं। गेंदबाजों के अनुकूल पर्थ की पिच पर जब विराट कोहली 84 रनों पर पहुंचे तो इस साल विदेशी पिच पर उनके 1000 रन पूरे हुए। इस लैंडमार्क पर पहुंचने वाले वह दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन गए हैं। पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 25वां शतक जड़ दिया है। विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का यह 63वां शतक है। विराट कोहली ने इससे पहले 281 गेंदों पर 11 चौकों के साथ अपना 25वां टेस्ट शतक पूरा किया था। इसी के साथ विराट कोहली पहले एशियन बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इसी कैलेंडर ईयर में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया है। बता दें, विराट कोहली ने 2018 में इंटरनेशनल करियर में 2600 से ज्यादा रन बना लिए हैं। विराट कोहली ने 2017 में 2818 रन बनाए थे। उन्होंने लगातार 2600 रनों के आंकड़े को छुआ है। विराट कोहली दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिसने लगातार 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 2600 से ज्यादा रन बनाए हैं। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।